इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत, वाक्य विचार के अंतर्गत हम पदबंध के विषय में पढ़ रहे हैं। पदबंध क्या होता है ये, तो इसमें आपको इसी के अंतर्गत पदबंध के अंतर्गत शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पदबंध किसे कहते हैं, ये सब आया। तो पदबंध की परिभाषा भी हम आपको बता चुके हैं। पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा था। तो पदबंध जो है भेद प्रभेद, पदबंध जो है उसके भेद और प्रभेदों के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले वाक्य में मुख्य रूप से चार प्रकार के पदबंध आते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, इसको फिर भी हम दोहराते हैं। पदबंध, पदबंध भेद प्रभेद, इसमें वाक्य में मुख्य रूप से चार प्रकार के पदबंध आते हैं। चार प्रकार के पदबंध आते हैं जिसमें एक संज्ञा पदबंध, दो विशेषण पदबंध, तीन क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और चौथा क्रिया पदबंध। इसमें ये चार प्रकार के मुख्य रूप से वाक्यों में चार प्रकार के पदबंध आते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। अब इस संज्ञा पदबंध के विषय में देखते हैं। इसमें जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम
सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं, संज्ञा परिबंध कहे जाते हैं। वो संज्ञा परिबंध कहे जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। जैसे 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 संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध, मेरा अध्यापिका है, अध्यापिका ये हुआ तो मेरा हिंदी के अध्यापिका मेरा हिंदी की अध्यापिका है। मुझे ट्रेन पकड़नी है, या अन्य मान लीजिए वह कहाँ जा रहा था, जा सकता था, बेचारा वह कहाँ जा सकता था। मैंने किताबें बच्चों को दे दी, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे दिल्ली वाली मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा पदबंध, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं, संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। जैसे मेरा अध्यापिका है, मेरा हिंदी की अध्यापिका है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा पद में यदि विशेषण पद जोड़ दिया जाता है तो संज्ञा पदबंध बन जाता है।
यदि हमने इसमें संज्ञा पद में जो संज्ञा पद है उस संज्ञा पद में यहाँ पर विशेषण पद यदि जोड़ दिया जाए, जैसे अध्यापिका हिंदी की मुझे ट्रेन दिल्ली वाली, तो यहाँ पर ये विशेषण पद जोड़ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ संज्ञा पद बंध बन जाता है। तो ये संज्ञा या सर्वनाम एक ही कार्य करते हैं, अतः सर्वनाम पदबंध को भी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही रखा जाता है, अलग से सर्वनाम पदबंध के भेद की आवश्यकता नहीं है, अलग से भेद करने की उसमें आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। तो इसके बाद हम इसमें विशेषण पदबंध के विषय में देखते हैं। संज्ञा पदबंध की रचना पर ध्यान दीजिए, यदि संज्ञा पद को हटा दें, यदि संज्ञा पद में से यदि संज्ञा पद को हटा दें तो विशेषण पद शेष बचता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत शरारती है, वाक्य में छोटा बच्चा संज्ञा पदबंध है, इसमें से यदि बच्चा संज्ञा पद को हटा दे तो छोटा विशेषण पद शेष रह जाता है। इस तरह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है, लेकिन जब यही कार्य विशेषणों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मेरा बेटा कल वापस आ रहा है, मेरा छोटा बेटा यहां विशेषण है, मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा मझला बेटा, मेरा बड़ा बेटा कल वापस आ रहा है। मल्लिका एक डॉक्टर है, मल्लिका एक मशहूर बदनाम डॉक्टर है, कोई भी लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा या मेरा बड़ा बेटा या मेरा मझला बेटा कोई भी हो सकता है कल आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ पदबंध के विषय में। तो विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला विशेषण पद करता है। तो ये हमने बताया कि इस प्रकार से यहां पर विशेषण पद जो हैं और विशेषण पद बंध, तो इस प्रकार हमने यहां पर ये देखा कि विशेषण पद बंध जो हैं वो इस प्रकार से यहाँ कार्य करते हैं। तो क्रिया विशेषण पदबंध ये तो हुआ
हमारा विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध मान लीजिए, संज्ञा पदबंध से यदि हम संज्ञा पद को हटा दें तो विशेषण पद से बचता है। और छोटा बच्चा बहुत शरारती है, वाक्य में से छोटा बच्चा संज्ञा पदबंध है, इसमें से यदि बच्चा संज्ञा पद को हटा दिया जाए तो छोटा विशेषण पद शेष रह जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण पद और विशेषण पदबंध, मेरा बेटा कल वापस आ रहा है, मेरा छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, मेरा महिला बेटा कल वापस आ रहा है, मैंने एक कार खरीदी, मल्लिका एक डॉक्टर है, मान लीजिए मल्लिका एक डॉक्टर है, मल्लिका एक मशहूर डॉक्टर है, मल्लिका एक बदनाम डॉक्टर है, तो मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक नई कार खरीदी, मैंने एक पुरानी कार खरीदी, तो इसमें विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो अकेला विशेषण, जो अकेला विशेषण करता है वही ये कार्य करते हैं। तो इसमें हम आपको आज केवल यहीं तक, इसके बाद कल बताएं।